प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, जिन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 24 का चुनाव 80 बनाम 20 का है, 4 जून को 400 पार आएगी बीजेपी, ये उन्होंने कहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर यूपी बीजेपी का हमला। यूपी बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया है, प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद बीजेपी ने अब कांग्रेस पर ऑल आउट अटैक करना शुरू कर दिया है। यूपी बीजेपी ने थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर तस्वीरें पोस्ट की हैं। बीजेपी ने तस्वीर के साथ साफ तौर पर कई बातें भी लिखी हैं, जो कि तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो ये पोस्टर आप देख सकते हैं, जो कि शेयर किया है यूपी बीजेपी की तरफ से, जिसमें साफ लिखा है, कांग्रेसी तुष्टीकरण का एक ही सूत्र, ओढ़ो हिजाब छीनो मंगलसूत्र। एक तरफ आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष करते हुए ये तमाम बड़े बयान दिए हैं, और उसके बाद यूपी बीजेपी ने एक्स पर ये तस्वीर पोस्ट की है। दो पोस्टर्स हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आज गाजियाबाद लोकसभा सीट पर उस इलाके से जिसे व्यापारियों का हब कहा जाता है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तमाम आपको लाइन से दुकानें दिखाई देंगी वो अलग अलग चीजों की होंगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर वही लोग हैं जो कमर्शियली जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, या उनकी पूरी की पूरी शॉप है। शुरुआत करते हैं यहाँ बात करने की लोगों से। आप बताइए भाई, सब यही के रहने वाले हैं जी? इस इलाके में माहौल कैसा देख पा रहे हैं चुनाव को लेकर? इलाके में माहौल जो चुनाव को लेकर है पूरी तरीके से जो है भाजपा के पक्ष में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, जो पिछली सरकारों में जो पहले माहौल था वो काफ़ी बदलाव हुआ है। यहाँ पहले डर का भय का माहौल रहता था, व्यापारी वर्ग जो है सही तरीके से अपना व्यापार नहीं कर पाता था। आज सभी लोग एक सुरक्षा की दृष्टि से और व्यापार में बहुत सुगमता आई है, बहुत सारी नीतियाँ हैं सरकार की जो व्यापारी वर्ग के पक्ष में हुई हैं, उस वजह से व्यापारी वर्ग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और सुगमता से अपना व्यापार कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए इस बीच जहाँ मैं जा रही हूँ, दरअसल ये पंखे की शॉप है, और सबसे बड़ी बात दरअसल ये कि चिलचिलाती गर्मी में जिस तरीके से बयानबाजी से सियासी पारा बढ़ा हुआ है, इस बीच जो पंखे की दुकान है वो यहाँ पे लोगों से गुलजार है, लोग यहाँ पे शॉपिंग करने या खरीदारी करने के लिए आए हैं। इस बीच इस इलाके में माहौल क्या कह रहा है यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि इस बार कांग्रेस की ओर से भी डॉली शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीजेपी की ओर से इस बार अतुल गर्ग चुनावी मैदान में है। सर, शुरुआत में आपसे करूँगी, आप इस मार्केट में ही आपकी बड़ी सी शॉप है, इस मार्केट में माहौल क्या देख पा रहे हैं? देखिए, व्यापारियों में बड़े उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के स्थानीय सांसद अतुल गर्ग जी को इस बार सांसदी का टिकट दिया है, और वो हमेशा जनता के, व्यापारी के, किसानों के, मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं। वर्तमान में वो यहाँ से विधायक हैं। कभी भी हम कोई भी समस्या लेकर अतुल जी के पास गए, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे काम किए, तो हम लोगों में बड़ी खुशी है। और हम जनता से विनम्र अपील करना चाहते हैं, कम से कम 70 से 80% मतदान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज की बात तो कर रहे हैं, बट इस सीट पर जनरल वीके सिंह का टिकट काट भी तो दिया गया, तो लगता है आपको कि ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में अतुल गर्ग के खिलाफ, या फिर भीतर घाती गुंजाइश लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? लोकल है, स्थानीय है, और बहुत बड़ी। हम कभी भी जनरल साहब से मिल नहीं पाते थे, हमारी मुलाकात नहीं हो पाती थी, वो दिल्ली रहते थे, अगर हमें कोई काम पड़ता था हम वहाँ जा नहीं पाते थे। अब ये स्थानीय सांसद हैं, विधायक, जब वर्तमान विधायक थे, हम कभी भी जाके इनके घर पर, इनके कार्यालय पर, या हम यहाँ पर व्यापारियों की कोई समस्या होती थी या कोई जनता की समस्या होती थी, हम बुला के अपना काम करवा सकते थे, उनसे हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती थी। तो इस बात का कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की उपज है, जो आम जनता है वो उपज मीडिया की हो, लेकिन टिकट तो पार्टी ने काटा ना, टिकट तो मीडिया ने नहीं काटा। खैर, लेकिन जनरल वीके सिंह की अगर बात छोड़ भी दे तो डॉली शर्मा चुनावी मैदान में है, और अखिलेश यादव, राहुल गांधी साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ प्रचार कर रहे हैं, लगता है आपको कि अतुल गर्ग के सामने चुनौती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं है, चुनौती काहे बात की। दो लड़कों की जोड़ी फिर से अगर प्रचार कर रही है और कह रही है कि दरअसल इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, जनरल वीके सिंह ने काम नहीं किया इसलिए टिकट काटना पड़ा, तो इस बयान को कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, जोड़ी तो ये पहले भी थी, पहले कहाँ सक्सेस हुई, जो अब सक्सेस होगी।
यहाँ से तो अतुल गर्ग जी जीतेंगे। देखिए बड़ी बहुमत से अपराध का गढ़ माना जाता था जब सपा बसपा की सरकार थी, ये अपराध का गढ़ था। यहाँ व्यापारी लड़कियाँ हैं, सुरक्षित थीं, रात को लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं। जब से बीजेपी का शासनकाल आया है यहाँ रहना सुरक्ष के समान है। यहाँ की कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त बनाई है जो विदेशों में होती है, पूरे देश से गाजियाबाद जुड़ा हुआ है। अब यहाँ नया एयरपोर्ट बनने वाला है, यहाँ रैपिड रेल चल गई है, तो इन विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, रिकॉर्ड तोड़ 8 लाख मतों से अतुल जी जीतेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो व्यापारी वर्ग है वो उत्साहित और कह रहा है कि 8 लाख के मार्जिन से चुनाव जीत होगी अतुल गर्ग की। लेकिन कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग भाई साहब, आप लोग आसपास के ही लोग हैं, ये बताइए कि माहौल किसके पक्ष में देख पा रहे हैं आप, बीजेपी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में? माहौल बीजेपी के पक्ष में है। 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने कराया है और 70 साल के धारा 370 को बीजेपी ने ख़त्म कराया है। देश में अपराध घटे हैं और इस बार स्थानीय सांसद का प्रत्याशी गाजियाबाद को मिला है, तो बहुत उत्साह के साथ गाजियाबाद की जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी और जाति बिरादरी से ऊपर उठकर देश हित में मतदान होगा, क्योंकि काम हो रहे हैं लगातार, निरंतर काम हो रहे हैं। ठीक है, काम तो हो रहे हैं, लेकिन इस बार बसपा के प्रत्याशी भी मैदान में है, नंदकिशोर पुंडीर, डॉली शर्मा भी मैदान में, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है इस सीट पर। इस इलाके में लगता है माहौल किसका ज्यादा चल रहा है? सीधा सा क्लियर है, अतुल गर्ग जी जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। डॉली शर्मा जी पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो प्रत्याशी बनी है और हारी थी, और बसपा के प्रत्याशी वो भी कहीं रेस में नहीं है, तो सीधा सीधा माहौल जो बन रहा है वो अतुल गर्ग जी के पक्ष में बन रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी तो एसी और पंखों की बिक्री बहुत बढ़ गई होगी। जी मैम, ट्रेंड्स बढ़ गए हैं। जी जी। अच्छा, कुछ प्रत्याशी भी आते हैं यहाँ पे वोट मांगने के लिए या फिर पूछने के लिए माहौल क्या चल रहा है, या आप लोगों से कहने के लिए कि भाई हमें वोट दीजिए? नहीं, अभी तो ऐसा कोई आया नहीं। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक जनाब अभी यहाँ जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि पहले से माहौल बदल गया है, ये महसूस कर पाती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा हो गया अब जब से बीजेपी सरकार आई है। आप यही पर काम करती हैं? जी मैम। आप इसमें कुछ पंखे दिखा दीजिए क्योंकि इसमें गर्मी का मौसम है, मैं सोचूंगी कि चूंकि आई हो तो कुछ शॉपिंग भी कर लूं। ये बताइए कि पंखे जो जिस तरीके से फर्राटा भर रहे, नई 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 वैरायटी आ गई पंखों की, BLDC फैन आए हैं अभी 30 वाट में, लाइट कम खाते हैं, काफी अच्छे आए हैं ये वाले। नेता भी नए नए आ गए हैं मैदान में, डॉली शर्मा मैदान में आ गई हैं, महिला हैं, प्रत्याशी हैं, लगता है डॉली शर्मा को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मैम, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए जी। अभी तो आप बीजेपी के लिए कह रही थी। चलिए, प्रत्याशी को लेकर के भी वोटर जो है मन बदल रहा है धीरे धीरे अपना, क्योंकि प्रत्याशी सारे चुनावी मैदान में है, सबकी ओर से अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ कहा जा रहा है कि व्यापारी वर्ग सुरक्षित महसूस कर रहा है पहले से, ऐसा फील होता है? यस मैम, बिल्कुल ठीक है, चलिए।